मुख्यतः कपूर हमारे घर और मंदिर में भगवान की आरती में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कपूर आयुर्वेदिक दवाओं, तेलों, सुगंध, कीड़े मकोड़ों को दूर रखने में भी प्रयोग किया जाता है। कपूर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक जो कि कपूर के पेड़ से मिलता है और दूसरा कृत्रिम केमिकल कपूर जो कि सामान्यतः बाजार में मिलता है। प्राकृतिक कपूर देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, जापानी कपूर के नाम से जाना जाता है। भीमसेनी कपूर की यह खासियत होती है कि पानी में डालने पर यह नीचे बैठ जाता है। यह कपूर वृक्ष के पत्ती, छाल और लकड़ी से आसवन विधि द्वारा सफेद रंग के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। कपूर के वृक्ष का वानस्पतिक नाम सिनामोमम कैम्फोरा है। यह सदाबहार वृक्ष मुख्यतः चीन में पाया जाता था, जहां से यह ताइवान, जापान, कोरिया, वियतनाम और दुनिया के बाकी देशों में पहुँचा। इस वृक्ष पर चमकदार चिकने पत्ते पाए जाते हैं, जिनको मसलने पर कपूर की खुशबू आती है। वसंत मौसम में इस वृक्ष पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल गुच्छों में लगते हैं। प्राकृतिक कपूर के लाभ। आयुर्वेद के अनुसार कपूर कफ दोष नाशक और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने मददगार होती है। आयुर्वेद के अनुसार प्राकृतिक कपूर डला तेल बालों के लिए अच्छा माना गया है। बाल मजबूत और घने होते हैं। चने के बराबर कपूर केले के बीच में रखकर खाने से बवासीर रोग में लाभ होता है। कपूर युक्त तेल सीने पर मालिश करने बंद नाक और कफ और जाकड़न से राहत दिलाता है। यह तेल आर्थराइटिस और मांसपेशियों के दर्द में मालिश करने से राहत देता है। इसके अतिरिक्त मुख की दुर्गंध दूर करने, दांत दर्द में, पेट के कृमि का नाश करने में लाभदायक है। कपूर के नुकसान। छोटे बच्चों को कपूर से दूर रखें, ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। कपूर के ज्यादा इस्तेमाल से त्वचा की समस्याएं जैसे एक्जिमा, रैशेज, होंठों का सूखापन हो सकता है। इसके अतिरिक्त नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र, किडनी, सांस लेने संबंधी समस्याएं हो सकती है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी कपूर के इस्तेमाल से दूर ही रहना चाहिए। कपूर का अधिक मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, अतः इसका प्रयोग किसी अनुभवी डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य के निर्देश में ही करें। भारत में कपूर देहरादून, मैसूर, सहारनपुर, नीलगिरी में पैदा होता है। भारत में कपूर केवल पत्तियों के आसवन से ही प्राप्त किया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ भोज्य पदार्थों में कपूर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कपूर के बारे में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब करें।